सभी का हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में स्वागत है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये है कि ये कृषि की एक नई तकनीक है। अगर किसान लगातार पारंपरिक खेती करता रहता है तो आजकल जनसंख्या बढ़ने के कारण जोत का आकार छोटा होता जा रहा है, जिससे किसान का उत्पादन कम होता है। लेकिन किसान अगर अपनी छोटी ज़मीन में ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाता है तो इससे इसको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सकता है। उदाहरण के लिए हम समझना इस प्रकार चाहेंगे कि अगर कोई भी किसान फसल का उत्पादन कर रहा है और कोई भी आपदा आ जाती है तो उसको किसान को न के बराबर उत्पादन होगा, लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपना रहा है किसान तो यहाँ 5 से 6 एक्टिविटी अपना के और ये खेती करेगा। अब इसके अंदर अगर फसल ख़राब भी हो जाती है तो बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनसे उत्पादन मिल जाएगा। हमारे इसमें 10 कंपोनेंट लिए, 10 में से कुछ ये आप देख सकते हैं पीछे, वहाँ स्टार्टिंग में वर्मी कंपोस्ट का लगाया है, फिर वर्मी कंपोस्ट के बाद में अजोला है, अजोला के बाद में सीड स्टोरेज है, स्टोरेज के बाद में पोल्ट्री है, पोल्ट्री के बाद में लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक के जस्ट पास में मशरूम है, और ये जिस फील्ड में अपन खड़े हैं ये क्रॉप प्रोडक्शन का फील्ड है, और इधर जस्ट पास में हमारे यहाँ वेजिटेबल्स की जाती है, और इसके जस्ट आगे चलते ही हॉर्टिकल्चर का उद्यान है। यही इसके बारे में हम एक एक से करके जानकारी। मेरा नाम मेघा है और मैं आज IFS के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के पोल्ट्री यूनिट के बारे में बताऊंगी जो यहाँ पे अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गी पालन, जिसके अंदर देसी ब्रीड अवेलेबल है हमारे पास। किसान इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर डाल करके अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। पहले तो हम इनको दाना देंगे, दाना से ही फीड करेंगे, और जब ये अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो ये हमें एग देंगे, अंडे देंगे, और वो हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं। और पोल्ट्री का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में, जैसा कि हम जानते हैं, हम उनको सेल कर सकते हैं और उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जो इनके बीट होंगे वो हम एज अ मेन्यू यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हमें इनकम मिलेगी। और जैसे अगर कभी इन केस क्रॉप फेलियर होता है तो हम इससे इनकम ले सकते हैं, अगर दूसरा क्रॉप फेल होता है, अगर लाइफ स्टॉक फेल हो जाता है तो हम इसको एज अपना इनकम रख सकते हैं, तो ये हमारे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ऋतिक यादव, हमारी IFS की यूनिट है वर्मी कंपोस्ट, इसमें आपका स्वागत करते हैं। इस यूनिट में हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए गाय के गोबर को बेड के अंदर बेड बनाते हैं, तथा उन बेड के अंदर केंचुए डालकर तथा उसके ऊपर कृषि अवशेष डालकर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए लगभग 45 दिन का टाइम लगता है। तैयार वर्मी कंपोस्ट को हम अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग में फल सब्जियाँ तथा क्रॉप प्रोडक्शन में यूज लेते हैं, जिससे कम लागत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसका मेन उद्देश्य ये है कि इससे किसान को बाहर से खाद एवं मेनू नहीं लाना पड़ता, तथा किसान को यहीं अपने फील्ड में तैयार कर सकता है इसको। कोमल मालो, आइए हम IFS की डेयरी यूनिट के बारे में जानकारी प्राप्त। IFS की यूनिट में हमारे पास गाय की गिर नस्ल है, तो जिसका उपयोग हम फसल उत्पादन के साथ में हम लाइव स्टॉक को रख के भी कर सकते हैं, जिससे हमें गाय से हमें जो गोबर प्राप्त होता है उससे हम मैन्योर बना के उसका उपयोग हम फसल में कर सकते हैं, और जो फसल से प्राप्त चारे का उपयोग हम पशुओं को खिलाने में कर सकते हैं, और इससे जो गाय से जो दूध प्राप्त होता है उसकी मदद से हम किसान की आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और इसके अलावा जिससे किसान की आय में वृद्धि होगी और किसान को अधिक लाभ। आपका IFS की एक यूनिट मशरूम कल्टीवेशन में आपका स्वागत करता हूँ, तथा इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वर्तमान में मशरूम कल्टीवेशन एक किसान अलग अलग अनुकूल वातावरण के हिसाब से अलग अलग वैरायटी को चूज करके पूरी साल आमदनी कमा सकता है, तथा इसे अपना एक स्थायी व्यवसाय बना सकता है। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ किसान मशरूम अगर कल्टीवेशन को करता है तो वह अपने पूरी साल। हमारी IFS के एक यूनिट ओनियन स्टोरेज में आपका स्वागत है। प्याज को अपन नेचुरल रूप से स्टोरेज करते हैं, जिससे किसान की लागत कम आती है। बाहर से अगर किसान प्याज को केमिकल के द्वारा स्टोर करता है तो उसकी लागत अधिक आती है। ये एक नेचुरल रूप से है जिससे किसान की लागत कम आती है और उसको अधिक बेनिफिट होता है। इसमें ओपन वेंटिलेशन की सुविधा है, जिससे फफूंद रोग नहीं होता है, तथा प्याज को लंबे समय के लिए अपन स्टोर कर सकते हैं। प्याज के अलावा IFS में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको अपन यहाँ स्टोर कर सकते हैं। प्याज के लिए एक नेचुरल स्टोरेज है। प्याज को लंबे समय तक भंडारण के लिए बनाए रखने के लिए टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 60 से 70% रखी जाती है।
नमस्ते, आई एम आकांक्षा चौधरी एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट गोट फार्मिंग इन IFS एट रारी. इन IFS हियर सिरोही ब्रीड ऑफ गोट आर रियर अप. इट्स एन इंडियन ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक गोट. इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए ड्यूअल पर्पज ब्रीड रियर्ड फॉर बोथ मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड आल्सो इट्स वेल अडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ राजस्थान. अभी हम IFS के फसल उत्पादन इकाई में खड़े हैं. यहाँ पर अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है. यहाँ पर तिलहनी, दलहनी और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है. अभी खरीफ के सीजन में यहाँ मूंगफली, ग्वार आदि फसलों का उत्पादन किया गया है, जिससे कि किसान अपनी खाद्य आपूर्ति और अपने अन्य दैनिक जीवन की वस्तुओं को खरीद सके. यहाँ पर अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलें उगाई जाती है. रवि के सीजन में यहाँ गेहूँ, चना, सरसों आदि का फसल का उत्पादन किया जाता है. अभी खरीफ के सीजन में यहाँ मूंगफली है, जिसका भी उत्पादन किया गया है, जिसका अपशिष्ट जो भी है यहाँ IFS में पशुपालन आदि जो किया गया है उनमें चारे के रूप में उसका अपशिष्टों का उपयोग किया जाएगा. और यहाँ पे जो अलग अलग तरह की फसलें उगाई गई हैं, जिससे अगर मान लो किसी भी फसल को किसी भी प्रकार की क्षति, कीट या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई भी नुकसान होता है, तो दूसरी फसल से किसान को लाभ पहुँच सके, ताकि किसान से एक पर्टिकुलर फसल के कारण किसी एक नुकसान को झेलना ना पड़े. यहाँ IFS में जो भी पशुओं के द्वारा अपशिष्ट के द्वारा जो भी खाद बनाया जाता है उसका इस फसल में उपयोग किया जाता है, जिससे कि इस फसल में लागत कम और अच्छी गुणवत्ता वाली अच्छी पैदावार उत्पन्न की जा सके, जिससे किसान को और अधिक फायदा हो सके, कम लागत में अच्छी फसल प्राप्त कर सके. मेरा नाम मंजू यादव है. यहाँ IFS की यूनिट में एजोला प्रोडक्शन फार्मिंग में आपका स्वागत. बढ़ती जनसंख्या के दौरान फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, कॉमर्शियल क्रॉप जैसे किसान जैसे पशुओं के लिए चारा उगाना भूलते जा रहे हैं, जिसका सीधा इफेक्ट पशु के दूध उत्पादन में पशु की हेल्थ पर पड़ता जा रहा है. इसलिए हम एजोला का निर्माण करें. यहाँ 15 फीट इसकी लंबाई व डेढ़ फीट इसकी गहराई व 1 फीट इसकी चौड़ाई, जिसमें हम फील्ड में से उपजाऊ मिट्टी का उपयोग करते हैं. फिर पास में यही जो सड़ी हुई खाद का उपयोग करते हैं. प्रति गड्ढा के हिसाब से हम 1 से 1.5 kg एजोला का उपयोग करते हैं, जिसके 6 से 7 दिन में वो अपनी ग्रोथ करता है. फिर हम इसको पशु के लिए यहाँ यूज़ करते हैं. और पर पशु के लिए 1 से 1.5 kg एजोला डालने पर वह उसके मिल्क में 15 से 20% मिल्क उत्पादन बढ़ता है. और इससे पशु की बाझपन की समस्या दूर होती है. और हम इसे इसलिए यहाँ ग्रो करते हैं क्योंकि बाहर से लाने में हमें प्रॉब्लम होगी, यहीं पास में लगाने से हम पशुओं को डाल भी सकते हैं और इससे पशु के दूध में उत्पादन बढ़ेगा व पशुओं के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है. यहाँ विकास चौधरी, IFS की यूनिट फल उद्यान में आप सभी का स्वागत. प्रकार के इस फल उद्यान में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें बेर है, आम है, अमरूद है, सीताफल है, नींबू है, मौसम्बी है. इन सभी फल वृक्षों का उत्पादन का समय अलग अलग है, जिससे किसान को पूरे वर्ष फल उत्पादन प्राप्त होता रहे और उससे अच्छी आय प्राप्त हो. इन फलों से किसान के बच्चों को अच्छा पोषण मिलता रहे. और इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने से ये फायदा है कि फल एक तो पूरे वर्ष आएंगे और जिससे अच्छी आय होगी. और यदि अपन एक ही प्रकार के फल वृक्ष लगाते हैं तो उससे कोई बीमारी या कोई आपदा से वो फल नष्ट हो जाते हैं, तो उससे किसान को आर्थिक नुकसान होता है. मेरा नाम उषा यादव है. हम यहाँ पे IFS के वेजिटेबल प्रोडक्शन यूनिट में खड़े हैं और हम आपको बताते हैं कि बोने के बाद और इनको पकने के बाद इनको जो इनके हमें जैसे गोभी है, गोभी पकने के बाद उसका कर्ड तो हम या तो खाने के काम में लेते हैं या फिर बाज़ार में बेच देते हैं. और जिससे उसका अवशेष बचता है, जैसे उसकी पत्तियाँ बचती हैं, तो हम पशुओं को खिला देते हैं. वो हमें चारे के रूप में प्राप्त होती है. सीज़न के अकॉर्डिंग सब्जियों की खेती करते हैं और हम IFS में साथ साथ सब्जियां भी लेते हैं, ताकि हम अधिक प्रोडक्शन प्राप्त कर सके. और हम सब्जियों के लिए जैसे खाद, कोई फर्टिलाइज़र या फिर और कुछ, वो हमें यहीं से, हम यहाँ पे पशुपालन करते हैं तो वो हमें पशुओं से प्राप्त हो जाता है और फिर वो हमारे फील्ड में काम आ जाता है. और जो इनसे हमें चारा वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, जो भी कुछ अवशेष बचते हैं, तो वो वापस पशुओं के काम आ जाते हैं.